पंचायती राज के प्रतिनिधियों को कार्य करने में जो व्यवहारिक दिक्कत आती है उसकी बात करने पर अगर हम सबके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं तो ये संविधान का अघोषित आपातकाल है। द्वारा विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, हम विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा कहेंगे, क्योंकि ना समय पे वो परीक्षा करा पा रहे हैं, ना समय पे वो परीक्षा परिणाम घोषित कर पा रहे हैं, ना समय पे वो परीक्षा परिणाम घोषित करने के बावजूद समय पे छात्र छात्राओं को जो अधिकार हक की चीज़ है स्कॉलरशिप वो नहीं दे पा रहे। इसके बाद भी अगर वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो हम इसके विरोध में आज NSOI द्वारा कहते अर्थी जुलूस निकाल के विरोध प्रदर्शन किया गया और छात्राओं मध्य प्रदेश की मुखिया को ये चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द छात्रों को अगर उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो हम आगे वाले समय पे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जवाबदारी सिर्फ और सरकार और प्रशासन की होगी। ये बिना अनुमति यहाँ आम रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे जिससे यहाँ यातायात बाधित हो रहा था और इनका उग्र प्रदर्शन होने से इनको एहतियात के तौर पर भी गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इनका जो प्रदर्शन है वो बिना अनुमति के आम रोड पर हो रहा था, इससे इनकी गिरफ्तारी की गई। अभी संख्या बताइए।